हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। आज की हमारी स्टोरी है द फार्मर एंड हिज सन्स। फार्मर यानी किसान होता है। आज की हमारी स्टोरी एक किसान और उनके बेटों के बारे में है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ फार्मर यानी एक किसान लिव्ड इन अ विलेज। लिव्ड यानी रहना होता है, विलेज यानी गांव। एक किसान, एक समय की बात है, एक किसान एक गांव में रहता था। ही हैड, उसके पास या फिर उसके फोर सन्स, उसके चार बेटे थे। हु डू नॉट हैव एनी लव, जिनको प्यार नहीं था। अमंग देमसेल्व्स, जिनको एक दूसरे से प्यार नहीं था। दे केप्ट क्वारलिंग, क्वारलिंग यानी झगड़ा करना होता है। वे झगड़ते रहते, ऑल द टाइम, हमेशा झगड़ते रहते। ओवर ट्रिफल्स, कछुए की तरह झगड़ते रहते। यहाँ पर ट्रिफल्स का मतलब होता है कछुए की तरह। द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, केप्ट वरिंग, वरिंग यानी चिंता करना होता है, हमेशा चिंता करता रहता। अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। ऑफ हीज सन्स, बूढ़ा किसान अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंता करता रहता, उनके भविष्य के लिए हमेशा चिंता करता रहता। ही केप्ट थिंकिंग हार्ड, वह हमेशा सोचता। ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में हमेशा सोचता रहता। दैट कुड टीच देम, जो उन्हें एक लेसन दे, जो उन्हें एक पाठ पढ़ाए। दैट कि दे मस्ट लव, उन्हें प्यार करना चाहिए। वन अनदर, एक दूसरे से। एंड और बी यूनाइटेड, और एकजुट रहना चाहिए। द फार्मर हैड ग्राउन क्वाइट ओल्ड, ग्राउन क्वाइट ओल्ड मतलब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। किसान थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा। ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी तय करना होता है। और किसान ने तय किया टू ट्राई इट, और इसे करने का उसने तय किया। ही ले डाउन, ले डाउन यानी वह लेट गया। इन हीज बेड, उसके बेड पर लेट गया। एंड प्रिटेंडेड, और उसने बहाना बनाया। यहाँ पे प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना। ये प्रिटेंड का सेकेंड फॉर्म है। बहाना बनाया टू बी इल, इल यानी बीमार होता है। उसने अपने आप को बीमार दिखाने का बहाना बनाया। देन, तब ही कॉल्ड हिज सन्स, कॉल्ड यानी उसने, कॉल्ड यानी बुलाना होता है। उसने अपने बेटों को बुलाया टू हिज बेड साइड, अपने बिस्तर पर बुलाया। एंड सेड, और कहा, डियर सन्स, मेरे पुत्र, मेरे बच्चों, आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ, अभी मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। आई मे लिव दिस वर्ल्ड एनी टाइम, लिव मानी छोड़ना होता है, वर्ल्ड यानी दुनिया, एनी टाइम मतलब कभी भी, मैं इस दुनिया को कभी भी छोड़ सकता हूँ। Bring me, यहाँ पर bring मतलब लाना होता है। Bring me few pieces of thin sticks, few मानी कुछ, pieces यानी टुकड़े, जिसे हम कह सकते हैं। Thin sticks मतलब, यहाँ पर sticks मतलब छड़ियाँ, पतली छड़ियाँ। Bring me few pieces of thin sticks, मेरे लिए कुछ पतली छड़ियाँ, छड़ियों के टुकड़े लेकर आओ, पतली छड़ियाँ लेकर आओ। टाइट टुगेदर, जो बंधी होनी चाहिए, इन अ बंडल, बंडल में बंधी होनी चाहिए, जो बंडल में बंधी हुई हो। द सन्स थॉट, उन लड़कों ने सोचा, इट वाइज टू कैरी आउट, लड़कों ने सोचा, इट वाइज, ये बुद्धिमानी है, टू कैरी आउट द विश ऑफ Dear dying father, carry यानी लाना होता है, wish यानी इच्छा, जो भी उसके फादर की इच्छा थी, वो
डाइंग मतलब मरना होता है। लड़कों ने सोचा इट वाइज टू कैरी आउट द विश ऑफ दियर डाइंग फादर, यह बुद्धिमानी है उनके फादर के विश को पूरा करने की। सो इसीलिए वन ऑफ देम वेंट आउट, उसमें से एक भाई बाहर गया, कट ऑफ सम थिन ट्विक्स, यहाँ पर ट्विक्स मतलब टहनियाँ होती है, पेड़ की टहनियाँ, ऑफ ट्रीज, कट ऑफ सम थिन ट्विक्स ऑफ ट्रीज। एक भाई उसमें से एक भाई बाहर गया, उसने पेड़ की पतली टहनियाँ काटी एंड टाइड देम, उनको बांधा इनटू अ फगोट, फगोट का मतलब होता है उनको एक साथ बांध दिया, फगोट का मतलब भी होता है बंडल में उनको बांध दिया। देन तब ही ब्राउट द फगोट, तब वह बंडल लेकर आया टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास लेकर आया। द फार्मर पुट ऑन अ स्माइल ऑन हिज फेस, स्माइल यानी स्माइल खुश होना। द फार्मर पुट ऑन अ स्माइल, किसान थोड़ा सा मुस्कुराया, ऑन हीज फेस अपने फेस पर थोड़ा सा मुस्कुराया। एंड आस्ट हीज सन्स, आस्ट मतलब पूछना होता है, और अपने लड़कों से पूछा किसान ने टू ट्राई टू ब्रेक द फगोट, बंडल को तोड़ने के लिए पूछा। ऑल द फोर सन्स, चारों लड़कों ने ट्राइड टू ब्रेक द फगोट, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, बंडल को लकड़ियों के गुच्छे को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने की कोशिश की। ऑफ स्टिक्स, छड़ी के बंडल को वन बाय वन, एक के बाद एक, चारों लड़कों ने एक के बाद एक बंडल, लकड़ी के बंडल को तोड़ने की कोशिश की। ईच ऑफ देम, उनमें से सभी यूज्ड हिज फुल माइट, उनमें से सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुड ब्रेक द टाइड स्टिक्स, टाइड स्टिक्स मतलब बंधी हुई लकड़ियाँ, लेकिन उनमें से कोई भी बंधी हुई लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। देन तब द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, आस्ट हिज एल्डेस्ट सन, आस्ट मतलब बूढ़े किसान ने पूछा हिज एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े लड़के को पूछा टू अनटाई द फगोट, टू अनटाई द फगोट, बंडल को खोलने के लिए कहा। देन तब इट वॉज डन, यह हो गया। द फार्मर आस्ट व्हेन इट वॉज डन, जब वह हो गया। द फार्मर आस्ट ईच ऑफ हिज सन्स, किसान ने अपने हर लड़कों को कहा टू टेक वन स्टिक, एक स्टिक लेने के लिए कहा, एंड ब्रेक इट, और उसे तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ देम, उनमें से सभी ने वॉज एबल टू ब्रेक द स्टिक ईजीली, उनमें से सभी लोग स्टिक को या छड़ी को तोड़ पाए। द फार्मर सेड टू द सन्स, किसान ने लड़कों से कहा आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड सून, मैं इस दुनिया को जल्द ही छोड़ रहा हूँ। लर्न अ लेसन, इसे सीख लो, फ्रॉम दिस स्टिक्स, इन छड़ियों से सीख लो। If you stay united, अगर तुम एकजुट रहते हो, like the sticks of the tied fagot, इन बंधी हुई लकड़ियों की तरह, nobody will be able to harm you, harm मतलब नुकसान पहुंचाना होता है, nobody मतलब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, in any way, किसी भी तरह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, किसान ने कहा अपने बेटों से। But if you remain divided, यहाँ पर डिवाइडेड मतलब अलग अलग होना होता है, बट अगर इफ़ यू रिमेन डिवाइडेड, अगर तुम लोग हमेशा अलग ही रहोगे, लाइक द स्टिक्स, छड़ियों की तरह, ऑफ द यूनाइटेड फगोट, इन बंधी हुई छड़ियों
छड़ियों की तरह तुम अगर अलग अलग रहते हो, ईच ऑफ यू, तुम में से सभी विल बी ब्रोकन, टूट जाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूनाइटेड वी स्टैंड, संगठन में शक्ति है, डिवाइडेड वी फॉल, अलग होके हम हार जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह की स्टोरीज और भी देखते रहना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।